मलिका परी। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी के दूसरे दिन ही लकड़हारे ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, हमारे खानदान की ये परंपरा है कि पत्नी अपने परिवार व पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती है। तुम्हें भी इसी परंपरा का ईमानदारी से पालन करना होगा। यदि तुमने कभी मुझे या मेरे परिवार को खिलाए बिना भोजन किया तो तुम मुर्गी बन जाओगी। स्वामी, आप इस ओर से निश्चिंत रहें। मैं आप और आपके परिवार को भोजन कराने के बाद ही भोजन करूंगी। काफी सालों तक लकड़हारे की पत्नी इस नियम का पूरी निष्ठा से पालन करती रही। उनका जीवन सुख पूर्वक चलता रहा। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया हुआ था और बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। लकड़हारा के माँ बाप सोए हुए थे। लकड़हारे की पत्नी को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने बहुत देर तक इंतजार किया, लकड़हारा वापस नहीं आया। बच्चे भी खेल में मस्त थे और सास ससुर सो रहे थे। लकड़हारे की पत्नी सुबह से काम करके थक गई थी। उसके मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने अपना खाना डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना खत्म किया, वह मुर्गी बन गई और कुकड़ू कू करते हुए घर की छत पर जा बैठी। जब लकड़हारा लकड़ी काट कर लौटा तो उसने अपने घर की छत पर एक मुर्गी को घूमते हुए देखा। लकड़हारे को मुर्गी को देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह समझ गया कि यह मुर्गी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही है। बच्चे अभी काफी छोटे थे। बेटा चंदर बड़ा था, नीरू छोटी थी, इसीलिए माँ बाप के बहुत जोर देने पर उसने देखभाल के लिए लकड़हारे ने दोबारा शादी कर ली। दूसरी पत्नी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह झगड़ालू भी थी। वह चंदर और नीरू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दिखाने के लिए लकड़हारे के सामने उनसे बहुत प्यार से बोलती थी, लेकिन जब लकड़हारा जंगल में चला जाता था तो वह उन्हें मारती और भरपेट भोजन भी नहीं देती। इसीलिए बच्चे कमजोर होते जा रहे थे। दादाजी और दादी भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाते। यह देखकर मुर्गी बनी उसकी माँ बहुत दुखी होती थी। लकड़हारा दूसरी पत्नी के करतूतों से अनजान था। एक दिन बच्चे भूखे प्यासे गांव के ही एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे और रो रहे थे। नीरू की आंखों से बहते हुए आंसू सूख चुके थे और चंदर उसको चुप करा रहा था और कह रहा था कि बहन चुप हो जा, अब आज पिताजी जंगल से लकड़ियां काट कर लौटेंगे, तब हम उनसे सारी बातें बताएंगे। जिस जगह पर ये दोनों बैठे थे वहां एक पेड़ था। उस पेड़ पर मलिका परी बैठी थी। उससे उन बच्चों का दर्द देखा नहीं गया। वह उतर कर आई और उसने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया और तालाब में ले जाकर उनका मुंह धुलवाया, उनको बहुत प्यार किया, उनके बालों में हाथ फेरा। इतना सारा प्यार पाकर बच्चे भाव विभोर हो गए और रोने लगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक छड़ी देती हूँ। इस छड़ी को तुम मुर्गी के पास जाकर 3 बार जमीन पर मारना और तुम्हें जो चाहिए वह खाना मिल जाएगा। यह ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा करते हुए कभी ना देखे। इस छड़ी को जो भी कहोगे वह सारे काम करने में भी तुम्हारी मदद करेगी। बच्चों ने छड़ी उठाई और परी के कहे अनुसार चुपचाप घर पर आ गए। वे मुर्गी के दड़बे के पास आए और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जमीन पर 3 बार छड़ी खड़काई और बोली कि माँ, हमें भूख लगी है, हमें जल्दी से कुछ अच्छा खाने को दे दो। और देखते ही देखते उनके सामने तरह तरह के व्यंजन आ गए। उन्होंने भर पेट खाना खाया और जो बचा था वह ले जाकर गाय को दे दिया। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। उनकी माँ ने देखा कि बच्चे अब बहुत खुश रहने लगे हैं और उनकी मार का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह झटपट सारा काम भी खत्म कर देते हैं। लकड़हारा सोचता था
कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है। जैसे ही लकड़हारा जाता, उसकी पत्नी के अत्याचार शुरू हो जाते। वह चंदर से बोलती, बाल्टी लेकर जाओ और कुएं से पानी निकाल कर लाओ। चंदर परी की दी हुई छड़ी साथ ले जाता, कुएं के पास जाकर 3 बार खटकाता और पानी अपने आप भर जाता। वह पानी लेकर छड़ी से कहता है, इसे घर ले चलो, और पानी की बाल्टी अपने आप घर के दरवाजे पर आकर पहुंच जाती। नीरू से उसकी माँ घर के सारे बर्तन धोने को कहती। वह छड़ी हाथ में लेकर 3 बार खटकाती और सारे बर्तन चमक जाते हैं। जब सारा काम हो जाता है, तब उसकी माँ को डांटने का मौका भी नहीं मिलता। उसकी सौतेली माँ सोचती, कैसे सारे काम हो जाते हैं। एक दिन उसने अपने बेटे को उनके पीछे लगा दिया। जिस समय चंदर और नीरू मुर्गी के पास बैठकर परी की छड़ी खटका रहे थे और उससे कुछ खाने को मांग रहे थे, उसके बेटे ने देख लिया। उसने आकर अपनी माँ को बता दिया, मुझे तो पहले ही शक था कि जरूर इसमें कोई राज है। एक दिन लकड़हारे के आने पर बीमार होने का बहाना करके वह पड़ी रही। लकड़हारे ने वैद्य को बुलाया। वह तो पहले से ही उसे मिला हुआ था। उसने कहा, इसको मुर्गी की मांस खिलाना होगा, तभी इसकी तबीयत ठीक होगी। लकड़हारे के पास इतने पैसे ना थे कि वह मुर्गी खरीदे, इसलिए उसने सोचा, अब उसे इसी मुर्गी को मारना पड़ेगा। मुर्गी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। बच्चों को जब यह पता चला तो बहुत रोए और जाकर तालाब के किनारे उसी पेड़ के पास गए जहां उनको परी मिली थी। उन्होंने परी की दी हुई छड़ी को 3 बार खटखटाया और कहा, परीमा परीमा जल्दी आ जाओ, हम पर भारी विपत्ति आई है, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। परी पेड़ से उतरकर उनके पास आ गई और बोली, बच्चों क्या हुआ? तब चंदर ने उसे सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, अगर वे तुम्हारी माँ को मार देते हैं, तब तुम मुर्गी की हड्डियाँ लाकर इसी तालाब के पास मिट्टी के नीचे दबा देना और वह एक सुंदर पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पर सुनहरे सेब लगेंगे, वह सिर्फ तुम ही लोग तोड़ सकते हो, इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चे चुपचाप चले गए। जब वे घर गए तो उन्होंने देखा कि मुर्गी को मारकर उसका मांस पकाया जा रहा था। दोनों ने उस दिन एक भी निवाला नहीं खाया, बल्कि चंदर ने अपनी सौतेली माँ से छुपाकर सारी हड्डियाँ उठा ली और दोनों भाई बहन भागकर तालाब के किनारे गए और उन हड्डियों को मिट्टी के नीचे दबा दिया। दूसरे दिन जब दोनों वहाँ आए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ तो वाकई एक नन्ना सा पौधा निकला हुआ है। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए और रोज वहाँ आते थे, उस पौधे की ठीक से देखभाल करते थे। धीरे धीरे बच्चों का जीवन सुख पूर्वक कटने लगा, क्योंकि उनके पास परी की दी हुई जादू की छड़ी भी थी और उनका समय बिताने के लिए उनकी माँ का पौधा था। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा हो गया और उसमें फल आना शुरू हो गए। बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। नीरू 16 साल की हो गई थी और चंदर 18 साल का हो गया था। उस पेड़ में अद्भुत सुनहरे सेब के फल लगते थे। जो भी आता अगर उन फलों को तोड़ने की कोशिश करता तो उसे उस पेड़ की टहनी ऊपर चली जाती। एक दिन एक राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार कहीं से आ रहा था। उसने देखा कि इतने सुंदर फल लगे हैं, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पेड़ की टहनी ऊपर चली गई। वह पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी उसने देखा कि थोड़ी देर में चंदर और नीरू आए और उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उनके हाथ में 8-10 सेब आ गए। राजकुमार देख के आश्चर्यचकित हो गया। वह नीरू के पास गया और उसने कहा, मैं जब सेब तोड़ रहा था तो उसकी डालियां ऊपर चली गई, तुम्हारे तोड़ने से तुमको कैसे मिल गया? नीरू कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमार से उसका दर्द देखा नहीं गया। उसने दोनों भाई बहन को बिठाया और उनसे पूरी बात पूछी। तब नीरू ने राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ
और उस लकड़हारी के घर पहुंच गया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लकड़हारी की खुशी का ठिकाना ना था। मीरू ने राजकुमार से कहा, मुझे मलिका परी से भी इजाजत लेनी होगी। चंदर ने 3 बार परी की छड़ी खड़काई और परी मुस्कुराती हुई आ गई। उसने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही उसने मीरू को अपनी जादुई छड़ी से छुआ, वह बहुमूल्य जेवरों से कपड़ों से सज गई। राजकुमार नीरू को लेकर अपने महल चला गया और चंदर को भी अपने साथ ले गया। वहाँ उसने उसको अपने महल में अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया। दोनों कभी कभी सोचते, अगर परी ना मिलती तो शायद अब तक हम लोग जिंदा ही नहीं बचे होते। परी की वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ आई।